नमस्कार दोस्तों, समृद्ध क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं तिकोनी बेबी स्कार्फ लेकर आई हूँ, जो इस तरह से हमें बनाना है। इसके लिए हमने 3 फंदे डाले हैं और 6 राउंड, एक राउंड उल्टा और एक राउंड सीधा बुनाई किया है। इस तरह से 3 राउंड हमने इसे सिंपल बुनाई कर लिया है। और अब हम आगे बता रहे हैं आपको। ये देखिए, हमने फंदे कैसे बढ़ाए हैं। ये देखिए, धागा हमने पीछे से सामने किया और ये बीच वाला फंदा है, इस पर हमने इस तरह से फंदा बढ़ाया। और यहाँ ये जाली भी बन जाएगी और फंदे भी बढ़ जाएंगे। देखिए, दूसरा फंदा हमने फिर से बढ़ा लिया। इस तरह से ये 3 फंदे 5 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5। और पीछे साइड से हम सिंपल बुनाई करेंगे। इन 5ों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, उल्टे साइड से। पीछे साइड से फंदे नहीं बढ़ाने हैं और घटाने भी नहीं हैं, केवल हमें सिंपल बुनाई करना है। इस तरह से हमें बनाना। इसके बाद हम दूसरा कलर का धागा लगाएंगे। देखिए, ये हम दूसरे कलर का धागा लगा रहे हैं। और यहाँ हम फंदे, हमने एक फंदा बुन करके और बीच के फंदे में दूसरे नंबर के फंदे पर जाली बनाया। और अब हम दूसरी राउंड बना रहे हैं, तो 2 फंदे बुनने के बाद फिर फंदे घटाएंगे। फंदा एक ही बीच वाले फंदे में, जिस पर हमने जाली डाला है, उसी पर फंदा बढ़ेगा और जाली बनेगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये सीधा चोटी जा रहा है और उसके दोनों साइड फंदे बढ़ रहे हैं और जाली बनती जा रही है। और उल्टे साइड से हम उल्टा बुन लेंगे। जाली वाले फंदे को भी हम बुन लेंगे। देखिए, ये जाली वाला फंदा बढ़ा हुआ फंदा है, इसे भी हम बुन लेंगे। ये देखिए, हमने 2 राउंड ये रेड कलर के धागे से बुना। और अब हम एक कलर और लगाएंगे, ये ब्लैक कलर का। और फंदा इसी तरह से बढ़ता जाएगा, जितनी बड़ी साइज रखना है उतना फंदा हम बढ़ा लेंगे। और जिसके लिए हम बना रहे हैं उसके सर का नाप ले लेंगे। यदि हम 6 माह के बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए लगभग, यदि ऊन पतला है तो 50 जालियां बनेंगी, और यदि ऊन मोटा है तो 40 से 45 जालियां बनेंगी। और उसके सर का नाप लेते रहेंगे, यदि छोटा हो रहा है तो जालियां और बढ़ा देंगे। देखिए, पीछे साइड से हमें सिंपल बुनते जाना है, उल्टा बुनना है उल्टे साइड से। और सामने साइड से जाली के ऊपर जाली डालते जाना है। बस इसी तरह से बुनाई करना है। ये देखिए, इस तरह से ये बनता जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ हम व्हाइट कलर का लगा दिए हैं धागा, और यहीं से हम 4 फंदों का बॉर्डर बनाते जाएंगे। इधर साइड भी बॉर्डर बनेगा और इधर साइड भी बॉर्डर बनेगा। तो देखिए हम कैसे बना रहे हैं बॉर्डर। पहला फंदा हमने उतार लिया और धागा पीछे साइड का करके हमें उल्टा सॉरी सीधा बुनना है। धागा हमने पीछे किया
और सीधा बुनाई किया। उल्टे साइड से हमने सीधा बुना है इन चार फंदों को। एक फंदा उतार लिया है और तीन फंदों को हमने बुना। सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ लास्ट में चार फंदे आए हैं, तो इन चार फंदों को भी हम इसी तरह धागा पीछे करके बुन लेंगे। उल्टे साइड से सीधा बुन लेंगे। तो ये तीन फंदे हमने इधर भी बुने और एक फंदे हमने पहले से उतार लिए थे। इसी तरह से हमने तीन फंदे बुन लिए और एक फंदा, ये लास्ट का फंदा हम धागा सामने करके इस तरह से सीधा बुन, उल्टा बुन लेंगे। देखिए, अब यहाँ हम पहला फंदा उतार लेंगे और उतारने के बाद सीधा बुनेंगे। धागा पीछे है, सभी फंदों को हम सीधा ही बुनेंगे और जहाँ जाली डालना है वहाँ हम जाली डाल लेंगे। देखिए, यहाँ हमने जाली बना दिया और धागा सामने करके यहाँ एक जाली और बनता जाएगा। इसी तरह से हम जाली के ऊपर जाली बनाते जाएंगे। और देखिए, यहाँ हमने उल्टा बुना था, इसे भी हम सीधा ही बुनेंगे। सीधे साइड से सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे, केवल जाली के ऊपर जाली बनाएंगे। और उल्टे साइड से हम पहला फंदा इस तरह से उतार लेंगे और धागा पीछे करके तीन फंदों को हम सीधा बुनेंगे। उल्टे साइड से हम तीन फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए, एक इसे हमने उतारा है और इसे बुन लिया है, एक और ये दो और ये तीन, तीन फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। अब धागा सामने करके हमें सभी फंदों को बुनाई कर लेना है। अब देखिए, ये लास्ट के चार फंदे बचे हैं, तो धागा हम पीछे करके सीधा बुन लेंगे तीन फंदे को और एक फंदे को हम धागा सामने करके उल्टा बुन लिए। इसी तरह से हमें पूरी बुनाई करनी है और इसके दोनों साइड इस तरह से बॉर्डर बनते जाएंगे ताकि स्कार्फ पहनते समय सिकुड़ जाता है तो ये सिकुड़ेगा नहीं और इससे बुनाई अच्छी होगी। बॉर्डर बनता जाएगा दोनों साइड से और बीच में चोटियां बनती जाएंगी और जालियां बनती जाएंगी। ये हमें इसी तरह से बनाते जाना है और दोनों साइड बॉर्डर बनाते जाएंगे हम उल्टे साइड से। ये हमारा सीधा साइड कंप्लीट हो गया। और देखिए, ये हम पीछे साइड आ गए। ये तीन फंदों को हम उल्टे साइड से धागा पीछे करके सीधा बुन रहे हैं। ये देखिए, तीन फंदों को हमने बुन दिया। अब धागा सामने कर लिए और सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। और लास्ट के फंदे जब चार बचेंगे इधर, तो हम तीन फंदों को सीधे साइड, उल्टे साइड से सीधा बुनेंगे और एक फंदे को उल्टा बुन करके उतार लेंगे। इसी तरह से हमें पूरी बुनाई कंप्लीट करनी है और जब हम साइज का बन जाएगा, जिसकी साइज का भी हम बनाना चाहते हो, तो बुनने के बाद, साइज का बुनने के बाद हमें 3 से 4 अंगुल सिंपल बुनाई करना है और उसके बाद बॉर्डर बना देना है और बाकी सारी बुनाई इसी तरह से चलेंगी। इसमें कहीं भी फंदे घटाना नहीं है, सिर्फ बढ़ाना है। देखिए, इस तरह से ये जाली के ऊपर जाली हमने बनाया है और इसी तरह से बनता जाएगा जाली और फंदे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए, हमने कंप्लीट कर लिया। हमें जितनी साइज रखनी थी डॉल के लिए उतनी साइज हमने रखी है और लगभग हमने 20 जालियां बनाई हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6
सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। 20 जालियां हमने बनाई है, और 20 जालियों को बनाने के बाद हम अपने उंगल से नाप करके इस तरह से 2.5 उंगल हमने सिंपल बुनाई किया है। और उसके बाद अब हम यहाँ बॉर्डर बनाएंगे, तो बॉर्डर बनाने के लिए हमने एक सलाई बुन लिया है, और अब हम यहाँ फंदे बढ़ाएंगे इस तरह से। इसमें हम फंदे डालेंगे, लगभग हम 20 20 से 22 फंदे हम डालेंगे इसमें। ताकि आसानी से गले में बांधा जा सके, उस हिसाब से हम इसमें फंदे डालेंगे। देखिए हमने इसमें 22 फंदे डाले हैं, और इसे इस तरह से अब हम बुन लेंगे। हम उल्टे साइड बुन रहे हैं, इसलिए हम उल्टी बुनाई कर रहे हैं, धागा सामने करके। ये फंदे टाइट हैं, इसलिए बुनने में टाइम लग रहा है। इसी तरह से हम सभी फंदों को बुन लेंगे। देखिए जिस तरह से हमने इधर के फंदे बढ़ाए हैं, उसी तरह अब हम इधर भी फंदे बढ़ाएंगे। और ये हमारी बुनाई कंप्लीट हो गई। देखिए अब हम फंदे इस तरह से डालेंगे। इधर भी हमें 22 फंदे डालना है, जितना हमने उधर साइड रखा उतना ही इधर भी रखेंगे। इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से फंदे डालना है हमें। फंदे बहुत ज्यादा टाइट नहीं डालने हैं, टाइट फंदे पड़ जाने से बुनने में दिक्कतें आती हैं बुनाई करने में, इसलिए फंदे थोड़े ढीले डालने चाहिए। अब हम इसे गिन लेंगे इसमें कितने फंदे हैं। 22 से ज्यादा होंगे तो उसे हम खोल देंगे। देखिए ये हमारे 22 फंदे कंप्लीट हो गए, और अब हम सीधे साइड आ गए हैं इधर। तो इधर हम सीधी बुनाई करेंगे, और इधर जब हम इसे बुन रहे थे तो इधर उल्टे साइड से हमने बुना, तो उल्टा बुनाई किया, और इस फंदे को हम सीधे साइड से बुनाई करेंगे इस तरह से। इस तिकोनी स्कार्फ को बनाना बहुत आसान है, इसे लेडीज भी पहन सकती हैं और बेबी भी पहन सकती हैं। इसे
इसमें डिजाइन भी डाला जा सकता है, आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें डिजाइन भी डाल सकती हैं, और कलर भी आप अपने पसंद की लगा लीजिए। बहुत सुंदर स्कार्फ बनेगी ये। देखिए इस तरह से हमने सारे फंदों को बुन लिए। ये देखिए, और हम इस पर उल्टी बुनाई करेंगे। उल्टी भी बुनाई कर सकते हैं, सीधी बुनाई कर सकते हैं। यदि आप कोई डिजाइन डालना चाहते हैं तो इस पर आप दो कलर की डिजाइन भी डाल सकती हैं। देखिए इसमें हमने दोनों साइड से उल्टा बुनाई किया है, धागा सामने करके इस तरह से, और बॉर्डर में उभार लाने के लिए हमने डबल धागे का बुनाई किया है। इससे ये जो बॉर्डर हमने बनाया है ये उभरा उभरा दिखेगा, और इस तरह से हमने उल्टा बुनाई किया है। दोनों साइड से हमने धागा सामने करके उल्टा बुनाई किया है। देखिए दोस्तों, ये हमारा बॉर्डर अब कंप्लीट हो गया है, और अब हम इसे बंद करेंगे इस तरह से। दो फंदों को एक करके हम घटा देंगे सभी फंदों को। एक फंदा ये और एक फंदा ये, इस तरह से दो फंदों को एक साथ बुन करके इस तरह से हम घटाते चले जाएंगे और बुनाई को बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से दो फंदे हैं, दो फंदों को हम बंद करते जाएंगे और इस तरह से ये बनता जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा तिकोना स्कार्फ तैयार हो गया। इसे अपनी डॉल को हम पहना कर दिखा रहे हैं आपको। इसे इस तरह से पहनाएंगे और ये पट्टी हमने बनाई है इसे हम बांधने के लिए। और ये पीछे साइड से है, देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। दोस्तों यदि हमारा ये तिकोनी बेबी स्कार्फ आपको पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारी चैनल समृद्ध क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई और खूबसूरत डिजाइन के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।